आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपना लेटेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च कर दिया है और प्लान का नाम है एलिवेट। वेलकम टू द हेल्थ इंश्योरेंस प्लान दैट इज सो पर्सनलाइज्ड एंड इन्फिनाइट दैट इट फील्स लाइक अ मैजिक। ये इस प्लान की टैगलाइन है, यानी ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ हम आपका स्वागत करते हैं जो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड है, यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो इन्फिनाइट भी है, इन्फिनाइट मतलब अनलिमिटेड भी है कवरेज के मामले में। इस प्लान के दोस्तों जो थीम है वो है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट शब्द का अर्थ है अनलिमिटेड, क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको चार ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिनके ऊपर कोई भी लिमिट्स नहीं है। में है इनफिनाइट सम इंश्योर्ड, इनफिनाइट रीसेट, इनफिनाइट क्लेम अमाउंट, इनफिनाइट रीसेट बेनिफिट, और इसके साथ साथ इनफिनाइट क्यूमुलेटिव बोनस का भी फीचर आपको मिल जाता है। लेकिन ये जो चार इनफिनाइट कवरेजेस हैं, इनमें से कुछ तो स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है, कुछ आपको एड ऑन के तौर पर इस पॉलिसी में एड करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, ये जो इनफिनाइट कवरेज है इसके साथ बहुत ही जरूरी टर्म्स एंड कंडीशन यानी नियम व शर्तें जुड़ी हुई हैं, जिनका एज ए पॉलिसी होल्डर हमें समझना बहुत जरूरी है ताकि समय आने पर हम इन इनफिनाइट कवरेजेस को, इनफिनाइट फीचर्स को इस्तेमाल भी कर सकें। इंश्योरेंस कंपनी ने इस प्लान को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आप इस प्लान के अंदर मैटरनिटी, सरोगेसी, ओपीडी के अलावा प्रीमियम कम करने के लिए को पेमेंट और डिडक्टिबल जैसे फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का यह दावा है कि यह हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक रिवोल्यूशनरी प्लान है, लेकिन क्या हम इस दावे को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें? नहीं, हम इस दावे की अच्छे से जांच करेंगे, इसे चेक करेंगे, प्लान के अंदर क्या क्या कवरेजेस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या यूनिक फीचर्स आपको इस प्लान में मिलने वाले हैं, ताकि हम ये मान सके जो इंश्योरेंस कंपनी दावा कर रही है रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने का, उसमें कितनी सच्चाई है। कहीं ये गाड़ियों की तरह तो नहीं है कि एक फेसलिफ्ट गाड़ी का मॉडल निकाल दिया और उसे ही हम एक नई गाड़ी बता दें, कहीं इस प्लान के साथ भी ऐसा ही तो नहीं है। और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको इस रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यानी कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट के प्रीमियम्स के बारे में बताने वाला हूं, यानी आपको जो कवरेज है वो तो मिलेंगे ही, उसके बदले आपको कितना पैसा सालाना इन प्लान्स के लिए देना होगा। तो दोस्तों, अगर आप एक्साइटेड हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एलिवेट प्लान को लेकर, तो जल्दबाजी ना करें और आज का वीडियो देखने के बाद ही कोई डिसीजन ले, ताकि जो गलती होने के चांसेस हैं उन्हें मिनिमाइज कम से कम किया जा सके। तो देरी नहीं करते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझते हैं, यानी जब आप पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्वालिफाई करनी होंगी। इसमें पहला पॉइंट आता है एंट्री एज का। एडल्ट्स की अगर बात करें तो मिनिमम एंट्री एज है 18 साल और मैक्सिमम एंट्री एज रखी है 125 साल, यानी कह सकते हैं कि एडल्ट्स की मैक्सिमम एंट्री एज पर कोई भी कैपिंग नहीं है। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, तो यहां पर 91 दिन की एज से लेकर 30 साल तक की एज तक डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी का हिस्सा रह सकते हैं। ये भी काफी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में 17, 18 साल, 20 साल, 25 साल तक की एज लिमिट होती है डिपेंडेंट चाइल्ड की, उसके बाद उन्हें इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड के तौर पर या एक एडल्ट के तौर पर अलग से पॉलिसी लेनी पड़ती है, जिसका प्रीमियम भी बढ़ सकता है। 30 साल तक डिपेंडेंट चाइल्ड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में रह सकते हैं। अब दोस्तों, बारी आती है सम इंश्योर्ड, यानी कितने रुपए की आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, कवरेज कितने रुपए की इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर करती है। तो वो ऑप्शंस हैं 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़ और अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इनफिनाइट सम इंश्योर्ड। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड अगर आप ऑप्शन चूज करते हैं तो उस पे सम इंश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है, जो भी आपका इलाज का खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। तो पहला इनफिनाइट का फीचर हमने यहां पर कवर कर लिया है। अब टेन्योर की बात करते हैं कि एक साथ कितने साल की पॉलिसी आप ले सकते हैं, तो 1 साल, 2 साल और 3 साल, तीनों ही ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं 2 साल या 3 साल की, तो उसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलता है? अगर 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेंगे तो सेकंड ईयर के प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 3 साल की पॉलिसी लेंगे तो थर्ड ईयर के पॉलिसी प्रीमियम के ऊपर 15% का डिस्काउंट आपको अपफ्रंट मिलेगा। मैक्सिमम फैमिली साइज क्या है वो रखा गया है 2 एडल्ट और 3 डिपेंडेंट चाइल्ड का। फैमिली फ्लोटर प्लान की अगर बात करें तो 2 एडल्ट और 3 डिपेंडेंट बच्चे एक पॉलिसी का हिस्सा बन सकते हैं। प्राइसिंग इस प्लान में कैसे की जाएगी वो देखिए दोस्तों, जोन बेस्ड है। टोटल 4 जोन बताए गए हैं, आपका शहर, आपका स्टेट किस जोन में रहेगा, आपसे कितने पैसे चार्ज किए जाएंगे, ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको चारों जोन्स के जो सिटी है, स्टेट्स है, वो भी बताऊंगा, और साथ में इस पॉलिसी के प्राइसेस भी मैं आपको रिवील करूंगा कि अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड या 10, 20, 30 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप कितने रुपए में ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं स्टैंडर्ड कवरेज एंड बेनिफिट्स की, यानी जो पॉलिसी के अंदर स्टैंडर्ड कवरेज है, जो बेनिफिट्स हैं, क्लेम के टाइम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फीचर्स क्या क्या है। इसमें पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं रूम रेंट लिमिट का, यानी कौन सी कैटेगरी का रूम आप ले सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर आपको एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम की लिमिट मिलती है, यानी जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो सिंगल प्राइवेट एसी का रूम आप ले सकते हैं। आईसीयू की बात करें तो इस तरह की कोई भी कैपिंग आईसीयू के ऊपर नहीं है, और अगर आप चाहते हैं
हैं कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम की लिमिट जो है वो आपके लिए कम है या ज्यादा है, तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो मैं आपको एडऑन्स के सेक्शन में बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं। यहां पर खास बात एक और है जो हमें नोट करनी चाहिए, वो ये कि जो सिंगल प्राइवेट एसी रूम की लिमिट है, अगर हम इसको एक्सीड करते हैं, यानी जो लिमिट है वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम की है, और हम इलाज के दौरान डीलक्स या स्वीट रूम लेते हैं, तो जितना भी हमारा क्लेम अमाउंट बढ़ेगा उसमें से प्रोपोर्शनल डिडक्शन की जाएगी, यानी कि पूरा क्लेम हमें नहीं मिलेगा। जो खर्चा हमारे रूम रेंट कैटेगरी को चेंज करने से ज्यादा हुआ है, एक्सेस हुआ है, उसका क्लेम हमें नहीं मिलेगा, यानी कि इस पॉलिसी के अंदर प्रोपोर्शनल डिडक्शन भी एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करते हैं डे के ट्रीटमेंट की, यानी वो इलाज जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है, वो भी डे के ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, जिसमें आपका कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, अगर आपका क्लेम अप्रूव किया जाता है तो ये भी ट्रीटमेंट आप डे केयर के तौर पर ले सकते हैं, और क्या क्लेम नहीं मिलेगा, ओपीडी के खर्चे आप डे के ट्रीटमेंट में कवर नहीं कर सकते। अगर दोस्तों बात करें मॉडर्न ट्रीटमेंट की, तो जो 12 लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, उनमें कोई भी कैपिंग या सबलिमिट नहीं है। अब बात आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर 90 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं रिइंबर्समेंट तौर पर। आयुष की बात करते हैं कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इन सब की इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, यानी कि अगर पेशेंट को इलाज के लिए एडमिट होना पड़ता है किसी गवर्नमेंट सर्टिफाइड आयुष हॉस्पिटल या फैसिलिटी में, तो वहां पर आयुष की ट्रीटमेंट भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। अगर किसी इमरजेंसी में या प्लान हॉस्पिटलाइजेशन में किसी रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका कितना रुपया आप क्लेम कर सकते हैं, उस पर भी कोई लिमिट नहीं है, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। हालांकि यहां पर कुछ कंडीशन है जिनको हमें जरूर समझना चाहिए, इमरजेंसी की जगह से लेकर हॉस्पिटल जाने तक और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाने तक का ही एम्बुलेंस का खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। डिस्चार्ज यानी कि इलाज पूरा होने के बाद हॉस्पिटल से घर आने के लिए अगर आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस प्लान में कवर नहीं होगा। ऑर्गन डोनर चार्जेस बिल्कुल ये प्लान कवर करेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो चार्जेस है वो इस प्लान में कवर किए जाएंगे, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान होता है तो वो ये प्लान कवर नहीं करेगा, इन्हें भी एक बार ध्यान से पड़े। अब दोस्तों बारी आती है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की, यानी घर पर ही इलाज लेना किसी मजबूरी की वजह से, पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, इतनी क्रिटिकल है कि वो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज के लिए पेशेंट के लिए बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है। पहली कंडीशन ये है, ये जो ट्रीटमेंट है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का, ये कम से कम 3 दिन का होना चाहिए, और कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के दौरान कवर नहीं की जाएंगे, वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। यानी इन मेडिकल कंडीशंस में से कोई परेशानी होती है तो उसका आप डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम फाइल नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों आता है इस प्लान का बहुत ही जरूरी फीचर, वो है गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस, यानी जब भी आप अपना पूरा एक साल क्लेम फ्री इस पॉलिसी के अंदर पूरा कर लेते हैं, यानी पूरे साल में आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है, तो आपका सम इंश्योर्ड 20% बढ़ा दिया जाएगा, और ये मैक्सिमम बढ़ेगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जो आपकी बीमित राशि है उसका डबल तक ये हो सकता है। 20% हर साल बढ़ेगा, लगातार 5 साल अगर क्लेम फ्री आपने निकाल दिए तो आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा। 10 लाख रुपए वाली पॉलिसी 12 की होगी, 14, 16, 18 और ऐसे करते करते मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक हो सकती है। लेकिन अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो गारंटीड, यहां पर क्या है गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस नाम क्यों कहा गया है, क्योंकि एक बार अगर आपने ये क्यूमुलेटिव बोनस अर्न कर लिया और उसके बाद कोई क्लेम आ जाता है तो ये क्यूमुलेटिव बोनस कम नहीं होगा जब तक आप इस पैसे को इलाज में इस्तेमाल नहीं कर लेते, इसलिए इसका नाम है गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस। और एक और जरूरी बात कि ये जो गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस है, ये अगर आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन लेते हैं तो वहां पर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। अब जो इनफिनाइट फीचर्स की हम बात कर रहे थे, वहां पर सेकंड इनफिनाइट जो फीचर आता है वो है इनफिनाइट रीसेट बेनिफिट, यहां पर हम इसे रिस्टोरेशन बेनिफिट भी कह सकते हैं। जब भी आपका सम इंश्योर्ड किसी भी इलाज के दौरान खत्म हो जाता है तो ये रीसेट हो जाएगा, दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। अब क्योंकि ये इनफिनाइट रीसेट है तो ये अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोर होगा, जितनी बार आपका सम इंश्योर्ड खत्म होगा उतनी बार दोबारा से ये रीसेट हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा और आपके अगले इलाज के लिए ये अमाउंट रेडी रहेगा। कंडीशंस हैं कुछ, उन्हें भी समझना जरूरी है। पहले क्लेम के ऊपर आप रीसेट अमाउंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेकंड क्लेम पर ही आप रीसेट अमाउंट को इस्तेमाल कर पाएंगे। अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का अगर आपने ऑप्शन लिया है तो वहां पर भी आपको इनफिनिट रीसेट बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सबसे जरूरी कंडीशन, अगर किसी बीमारी का इलाज किसी पॉलिसी होल्डर ने करवाया है और वो डिस्चार्ज हो गए हैं, छुट्टी मिलने के अगले 45 दिन के अंदर दोबारा से अगर वो बीमारी का
इलाज रिलैप्स हो जाता है, दोबारा से उसी बीमारी का इलाज करवाना पड़ता है, तो वहां पर भी आप रीसेट बेनिफिट का, रिस्टोरेशन बेनिफिट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन को भी हमें जरूर समझना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं बेरिएट्रिक सर्जरी की, यानी जो मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी है, क्या वो इस प्लान में कवर की जाएगी? बिल्कुल कवर की जाएगी। सबसे पहली कंडीशन है कि 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी लेने के अगले 24 महीने तक आप ये बेरिएट्रिक सर्जरी, मोटापे जुड़ी हुई सर्जरी नहीं करवा सकते। दूसरी कंडीशन ये है, किसी भी कॉस्मेटिक यानी कि सुंदर दिखने के लिए अगर आप मोटापे की सर्जरी करवाते हैं वो कवर्ड नहीं है, यानी ये मेडिकल नेसेसिटी होनी चाहिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी होनी चाहिए, तब ये सर्जरी आप करवा सकते हैं। बीएमआई से जुड़े हुए नॉर्म्स आपको फुलफिल करने होंगे, यानी बीएमआई या तो आपका 40 या उससे ज्यादा हो, और अगर 35 है तो उससे जुड़ी हुई ये जो चार लिस्टेड कंडीशंस है, अगर ये भी पेशेंट को है तो वो बेरिएट्रिक सर्जरी करवा सकते हैं। ये मोटापे जुड़ी हुई सर्जरी किसी डॉक्टर के एडवाइस पर मेडिकल प्रोटोकॉल्स के अंदर होना जरूरी है। और बेरिएट्रिक सर्जरी के लिए आपको सिर्फ कैशलेस क्लेम ही मिलेगा, रिइंबर्समेंट क्लेम आप फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट कवरेज है दोस्तों इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सरोगेट मदर, यानी सरोगेसी की भी कवरेज आपको इस प्लान के अंदर मिलेगी। सरोगेट मदर कौन होती है? अगर एक कपल कंसीव नहीं कर पाता है तो किसी और बायोलॉजिकल मदर की हेल्प से बेबी कंसीव करते हैं और बेबी डिलीवर करवाते हैं, तो अगर उन सरोगेट मदर की हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है तो वो भी इस प्लान में कवर की जाएगी। कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें समझना जरूरी है। 5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम कवरेज इस प्लान में इसके तहत मिल सकती है। पहले 30 दिन का वेटिंग पीरियड, यानी पॉलिसी खरीदने के पहले 30 दिन के अंदर इस तरह का क्लेम फाइल नहीं किया जा सकता। और ये कवरेज लेने के लिए आपको कम से कम 3 साल की पॉलिसी एक साथ खरीदनी होगी। 2 साल या 1 साल के टेन्योर के साथ ये कवरेज आप नहीं ले सकते। और एक बार अगर आपका सरोगेसी का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है, उससे अगले 36 महीने के लिए ही सिर्फ ये कवरेज वैलिड रहेगा। नेक्स्ट कवरेज जो दोस्तों आ जाती है वो है ओसाइट डोनर कवर। अब इसके अंदर बायोलॉजिकल मदर जो है वो वही है जो पॉलिसी होल्डर है, यानी जो हस्बैंड वाइफ है, तो जो वाइफ है वही मदर रहेंगी बायोलॉजिकल, लेकिन उनको किसी ने एग डोनेट किया है जिन्हें ओसाइट डोनर कहा जाता है, उनकी भी कवरेज हॉस्पिटलाइजेशन की 5 लाख रुपए तक इस प्लान के अंदर मिल सकती है। कंडीशन क्या है? एक बार जब ये कवरेज स्टार्ट हो जाएगी, एक बार जब ये प्रोसीजर शुरू हो जाता है, ओसाइट डोनर का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उसके अगले 12 महीने तक ये कवरेज वैलिड रहेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। अब यहां तक दोस्तों जो भी आपने फीचर्स देखे हैं वो सब फीचर्स स्टैंडर्ड हिस्सा है इस पॉलिसी का, यानी आप एक नॉर्मल आईसीआईसी लोम्बार्ड एलिवेट पॉलिसी लेंगे तो ये जो सारे फीचर जो मैंने अब तक आपको बताए हैं ये उस स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन अभी जो सेक्शन मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही खास है, क्योंकि इसी के जरिए इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि आपकी ये पॉलिसी बहुत पर्सनलाइज्ड है, यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें काफी जरूरी ऑप्शनल फीचर्स हैं, एड ऑन्स हैं, जिनको आपको ध्यान से समझना है और जरूरत पड़ने पर अपनी कवरेज के हिसाब से इन एड ऑन्स को चूज करें, ताकि क्लेम के टाइम आपको कवरेज भी कम ना पड़े और बिना वजह के एड ऑन्स के साथ आप एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे ना करें। तो सबसे पहला जो ऑप्शनल कवर है, एड ऑन है दोस्तों, वो है इनफिनाइट केयर। इनफिनाइट केयर को अगर आसान भाषा में समझें तो ये है अनलिमिटेड क्लेम। लाइफ टाइम एक बार, जब तक आप ये पॉलिसी रखते हैं उसमें लाइफ टाइम एक बार आप अपने किसी भी क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का है, एक क्लेम को आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस पर कोई भी लिमिट नहीं चाहिए। बेशक आपका सम इंश्योर्ड भी खत्म हो गया है तब भी आपको ये क्लेम अनलिमिटेड अमाउंट तक मिलेगा, ऐसा लाइफ टाइम एक बार होगा। और ये ऑप्शन चूज करने के लिए आपको पहले 2 साल के अंदर ही डिसीजन लेना होगा, या तो आप पहले साल डिसीजन लीजिए या पहले साल के रिन्यूअल के टाइम आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये एड ऑन लेना है कि नहीं। और अगर आप 2 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो पॉलिसी खरीदते टाइम ही आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये आपको अभी लेना है कि नहीं। अगर आपको जरूरत लगे, अगर आपको जरूरत महसूस हो तो पहले 2 साल के अंदर ही आपको इसे ऑप्ट करना होगा। अगली कंडीशन ये है कि एक बार अगर आपने ये एड ऑन ले लिया इनफिनाइट केयर का, तो जब तक आप इस फीचर को इस्तेमाल नहीं करते, अपने किसी भी क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक यूज नहीं करते या इस फीचर को आप इस्तेमाल नहीं करते, तब तक ये एडेड रहेगा, आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड रहेगा, आप इसे हटा नहीं सकते। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपका सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड है, यानी जो आपने सम इंश्योर्ड जो है बीमित राशि आपकी अनलिमिटेड है, तो ये वाला जो एड ऑन है वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें भी तो सेम ही फीचर आपको मिल रहा है कि आपकी जो क्लेम की लिमिट है वो कोई भी फाउंडेशन, कोई भी सम इंश्योर्ड तक लिमिटेड ना रहे। तो अगर आपके पास अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है तो ऑटोमेटिकली ये फीचर किसी काम का नहीं है। और फाइनल कंडीशन ये है कि जो आपकी रूम रेंट लिमिट है वो सिंगल प्राइवेट एसी की रहेगी, अगर आप इसे मॉडिफाई नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड क्लेम का ऑप्शन चूज कर लिया और उसके बाद आप स्वीट या डीलक्स रूम लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपसे प्रोपोर्शनल डिडक्शन चार्ज की जाएगी, आपके क्लेम से पैसा कट सकता है। अगर आपको हायर रूम रेंट लिमिट चाहिए तो उसको आपको मॉडिफाई करना होगा, उस लिमिट को आप चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शंस मैं आपको आगे एड ऑन में बताने वाला हूं। सेकंड जो एड ऑन है दोस्तों वो है पावर बूस्टर, यानी गारंटीड सुपर बोनस, जिसे हम इनफिनाइट क्यूमुलेटिव बोनस भी कह सकते हैं।
इन्फिनाइट कैसे है, अगर आप पॉलिसी में क्लेम लेते हैं या नहीं लेते हैं, एक साल कंप्लीट होने के बाद आपका सम इंश्योर्ड 100% बढ़ जाएगा। मेरी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है और मैंने पावर बूस्टर का एड ऑन लिया है, यानी इन्फिनाइट क्यूमुलेटिव बोनस का एड ऑन लिया है, तो एक साल पूरा होने के बाद मेरी 10 लाख रुपए की पॉलिसी हो जाएगी 20 लाख रुपए की, उससे अगले साल 30 लाख रुपए की, और इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, ये कितने तक भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है, मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम कैपिंग कुछ भी नहीं है। इसलिए इस एड ऑन का नाम है पावर बूस्टर, जिसमें कंपनी कहती है कि आप इन्फिनाइट क्यूमुलेटिव बोनस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये वाला फीचर भी आपको अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के ऑप्शन के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक लिमिटेड सम इंश्योर्ड लेंगे तभी इस एड ऑन को लेने का फायदा है। नेक्स्ट जो एड ऑन है दोस्तों, उसका नाम है जंप स्टार्ट। ये भी बहुत खास एड ऑन है और ये काफी लोगों के काम आ सकता है। नाम छोटा सा है लेकिन इसके फीचर्स इसके फायदे बहुत अच्छे हैं। लिस्टेड जो 6 बीमारियां अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनमें से अगर कोई मेडिकल कंडीशन किसी पॉलिसी होल्डर को है तो इनके ऊपर कोई भी वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। 31वें दिन से आप इनकी कवरेज ले सकते हैं अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया तो। कंडीशन क्या है, इनमें से अगर कोई डिजीज है, मेडिकल कंडीशन है किसी भी पॉलिसी होल्डर को, तो पॉलिसी लेते टाइम उन्हें कंपनी को इन्हें बताना होगा और पॉलिसी इंसेप्शन पे यानी पॉलिसी की शुरुआत में ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ये जंप स्टार्ट का एड ऑन लेना है कि नहीं, और बाद में आप इस एड ऑन को नहीं हटा सकते क्योंकि ये आपके वेटिंग पीरियड से जुड़ा हुआ है। तो जंप स्टार्ट का मतलब क्या है, जो कवरेज आपके वेटिंग पीरियड के बाद शुरू होने वाली थी उन्हें आप जंप स्टार्ट करके 31वें दिन से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इन 6 जो लिस्टेड इलनेस है, लिस्टेड डिजीज है, इन्हीं तक लिमिटेड है। अब दोस्तों मैटरनिटी से जुड़े हुए कुछ ऑप्शनल कवर्स हैं, एड ऑन्स हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला है मैटरनिटी बेनिफिट, यानी आप इस पॉलिसी के अंदर चाइल्ड बर्थ या अपनी नॉर्मल या सी सेक्शन डिलीवरीज को भी कवर कर सकते हैं। कितना अमाउंट तक क्लेम मिलेगा, अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 1 लाख रुपए। आपकी बीमित राशि का 10%, मान लो 20 लाख रुपए की मेरी पॉलिसी है, उसका 10% हुआ 2 लाख नहीं, मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए तक के डिलीवरी चार्जेस इस एड ऑन के साथ कवर किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि इस लाइफ टाइम में, इस पॉलिसी के लाइफ टाइम मैक्सिमम 3 डिलीवरी का क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। इसमें डिलीवरी और टर्मिनेशन को इंक्लूड करके ये नंबर बताया गया है, 3 डिलीवरी इंक्लूडिंग एनी टर्मिनेशन आप इस पॉलिसी के लाइफ टाइम में कवर कर सकते हैं। जो फीमेल मेंबर है यानी जो मदर है जो इस मैटरनिटी का क्लेम लेंगी, उनकी एज 18 से 50 साल के बीच में ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा एज में मैटरनिटी का क्लेम नहीं लिया जा सकता और इस मैटरनिटी क्लेम को फाइल करने के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो है 24 महीने का, यानी पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद इस तरह का कोई भी क्लेम फाइल या एंटरटेन किया जाएगा। नेक्स्ट कवरेज दोस्तों न्यूबॉर्न बेबी कवर, बच्चा पैदा होने से लेकर जब तक उसकी एज 91 दिन तक की नहीं हो जाती उसे न्यूबॉर्न बेबी कवर के तहत ही कवर किया जा सकता है। अगर उससे रिलेटेड कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है तो जो भी आपका मैटरनिटी कवरेज का सम इंश्योर्ड है उससे डबल अमाउंट आप न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है, ये जो अमाउंट है ये आपके मैटरनिटी सम इंश्योर्ड से अलग है, यानी उन दोनों सम इंश्योर्ड को क्लब नहीं किया जाएगा, ये दोनों अलग अलग सम इंश्योर्ड हैं। अगर आपने मैटरनिटी का ऑप्शन चूज किया है तभी आप न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज ले सकते हैं, और अगर आपका मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट किया गया है तभी आप न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज में क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगला एड ऑन है दोस्तों वैक्सीनेशन का, जब तक आपके बच्चे की एज 1 साल तक की हो जाती है तब तक कोई भी वैक्सीनेशन होता है तो उसका खर्चा आप इस पॉलिसी में कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम 1% ऑफ योर सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 10,000 रुपए, यानी जो अमाउंट की कैपिंग है वो 10,000 रुपए तक की है और आपके बीमित राशि का 1% तक आप क्लेम कर सकते हैं। खास बात यह है मैटरनिटी का एड ऑन आपने लिया है तभी आप वैक्सीनेशन का एड ऑन ले सकते हैं, और मैटरनिटी का आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तभी आप वैक्सीनेशन की भी कवरेज इस पॉलिसी के अंदर एड ऑन के तौर पर ले पाएंगे। अगला जो राइडर है दोस्तों एड ऑन है वो है बीफिट। बीफिट आईसीसी लोम्बार्ड का एड ऑन और राइडर है जो आपको ओपीडी की सुविधाएं देता है, यानी आप फिजिकल कंसल्टेशन, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या आप ई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोई रूटीन डायग्नोस्टिक्स है, छोटा मेडिकल प्रोसीजर्स है, फार्मेसी यानी मेडिसिन है, या फिर कोई फिजियोथेरेपी सेशन है, इसके अलावा ई काउंसलिंग है, या न्यूट्रिशन या डाइट से रिलेटेड आप सेशंस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो वो भी मोबाइल ऐप के थ्रू और फिजिकल विजिट से भी आप ले सकते हैं। ये आपको अपॉइंटमेंट जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू ही लेनी होगी, और ये जो कैशलेस जो पैनल हॉस्पिटल्स हैं आईसीएसई लोम्बार्ड के पैनल डॉक्टर्स हैं वहां पर आप ये सुविधाएं ले सकते हैं। इस राइडर से जुड़ी हुई ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों वर्ल्ड वाइड कवरेज का। अब बहुत से पॉलिसी होल्डर्स ऐसे भी हैं जिन्हें आउट ऑफ इंडिया भी कवरेज चाहिए, वो ज्यादा ट्रैवल करते हैं या काम के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफिकल लिमिट्स के बाहर भी अप टू सम इंश्योर्ड इंक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा इस प्लान के अंदर कवरेज ली जा सकती है, लेकिन ये एड ऑन उसके लिए लेना होगा। कितने रुपए तक का इलाज लिया जा सकता है, इसके लिए आपको एक ग्लोबल सम इंश्योर्ड चूज करना होगा
जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 3 करोड़ रुपए, आप उस सम इंश्योर्ड के हिसाब से बाहर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड कवरेज के लिए जो वेटिंग पीरियड है वो है 24 महीने का, पॉलिसी खरीदने के अगले 2 साल तक आप इस तरह का कोई क्लेम नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट एडोन है दोस्तों क्लेम प्रोटेक्टर। लिस्ट 1 में जो भी नॉन मेडिकल कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो भी पेएबल हो जाएंगे अगर आप ये वाला एडोन लेते हैं और आपका ट्रीटमेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तो लिस्ट 1 के नॉन मेडिकल आइटम्स का क्लेम भी आपको पे किया जाएगा। अगला एडोन है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई दर जितनी बढ़ रही है उसी के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड भी विदाउट एक्स्ट्रा प्रीमियम बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे सीपीआई इंडेक्स बढ़ेगा उसी रेशियो में आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता रहेगा ताकि जो इन्फ्लेशन बढ़ना है या महंगाई बढ़ना है उसकी वजह से आपका सम इंश्योर्ड कम ना पड़े। एडोन के जरिए आप डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस को भी कवर कर सकते हैं अगर आप एडोन चूज करते हैं तो, कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड ये वाला फीचर भी आप ले सकते हैं। अगला एडोन आता है दोस्तों कन्वालेसेंस बेनिफिट का। इसमें अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन से ज्यादा की हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी 20,000 रुपए तक का लमसम बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को पास ऑन करेगी। ये पॉलिसी ईयर में एक बार ही बेनिफिट दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने कन्वालेसेंस बेनिफिट का एडोन लिया है तो। नर्सिंग एट होम का भी एडोन आप ले सकते हैं, यानी किसी पेशेंट ने हॉस्पिटल में इलाज लिया उसके बाद उन्हें छुट्टी मिल जाती है लेकिन घर पर भी नर्स की जरूरत पड़ती है, नर्सिंग करनी पड़ती है, तो आप किसी सर्टिफाइड नर्स को हायर कर सकते हैं एक पॉलिसी ईयर में मैक्सिमम 10 दिन के लिए और 2,000 रुपए पर डे के चार्जेस आप क्लेम कर सकते हैं बशर्ते आपका ट्रीटमेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया। नेक्स्ट एडोन है दोस्तों कंपैशनेट विजिट। अगर कोई भी एडल्ट पॉलिसी होल्डर जो है वो अपने परिवार से कहीं दूर है और उनकी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है वो जो 5 दिन से ज्यादा चलती है तो उनके किसी भी इमीडिएट फैमिली मेंबर के आने जाने के लिए आने जाने का जो फेयर है उनका किराया है खर्चा है इकोनॉमी फेयर जो है इकोनॉमी क्लास का वो 20,000 रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साल में एक बार आपके हेल्थ चेकअप भी इस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किए जाएं तो उसके लिए भी आपको हेल्थ चेकअप का एड ऑन लेना होगा। बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस की। क्या क्रिटिकल इलनेस इस प्लान में कवर कर सकते हैं? बिल्कुल कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको एड ऑन के तौर पर इन्हें लेना होगा। जो लिस्टेड 20 क्रिटिकल इलनेस है अगर इनमें से कोई इलनेस कोई बीमारी गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी एकमुश्त यानी कि लमसम आपको बेनिफिट दे देगी ताकि आप उस बीमारी का इलाज करवा सकें। इसी तरह पर्सनल एक्सीडेंटल का भी कवरेज आप एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज क्या क्या कवरेज आपको मिलेगी? अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी जितना सम इंश्योर्ड आप लेंगे उसके हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये एड ऑन के तौर पर ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब दोस्तों बारी आती है 2 ऐसे एड ऑन की जिनसे आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है वॉलंटरी कोपेमेंट, यानी कि कोई भी क्लेम आता है उसमें से जो भी परसेंटेज आप चूज करते हैं कोपेमेंट की वो अमाउंट आपको देना होगा और बाकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर मैंने कोपेमेंट चूज की है 10% की और 1,00,000 रुपए का क्लेम आ जाता है जो इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है तो 1,00,000 रुपए के क्लेम में से 10,000 रुपए क्योंकि मेरी कोपेमेंट 10% की है वो मुझे देनी होगी। 90% क्लेम अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ऐसी कोपेमेंट आप 10% से लेकर मैक्सिमम 50% तक चूज कर सकते हैं। बात करते हैं डिडक्टिबल की, तो डिडक्टिबल का ऑप्शन परसेंटेज की बजाय एक फिक्स्ड अमाउंट पर थ्रेशोल्ड लिमिट पर काम करता है। तो जैसे कि मैंने डिडक्टिबल अमाउंट चूज किया 50,000 रुपए का तो 1 साल के अंदर चाहे 1 क्लेम आए चाहे 2 आए चाहे 3 आए पहले 50,000 रुपए मुझे अपनी जेब से बियर करने होंगे, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी की कवरेज स्टार्ट होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज्यादा है और आप ये प्लान लेना भी चाहते हैं तो आप को पेमेंट या डिडक्टेबल का ऑप्शन चूज करके इसका प्रीमियम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों डिपेंडेंट अकोमोडेशन बेनिफिट, यानी जो पेशेंट के साथ डिपेंडेंट जो है जो केयर टेकर जो है चाहे वो फैमिली मेंबर या रिलेटिव भी हो सकते हैं अगर वो उनके साथ जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनके साथ रहते हैं उनके रुकने के एक्स्ट्रा चार्जेस आपको चाहिए कंपनसेशन के तौर पर तो 1,000 रुपीज पर डे मैक्सिमम 10 दिन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपने ये वाला एड ऑन लिया है। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर। जो अभी आपको स्क्रीन पर ड्यूरेबल इक्विपमेंट दिखाए जा रहे हैं इनमें से कोई भी ड्यूरेबल इक्विपमेंट लिया जा सकता है जो आपके इलाज से रिलेटेड है, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर उस इलाज का क्लेम अप्रूव किया है जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 5,00,000 रुपए, लेकिन उसके लिए भी आपको ये एड ऑन अपनी पॉलिसी में लेना होगा। अगला एड ऑन जो है दोस्तों उससे आप अपनी मैटरनिटी कवरेज का या फिर स्पेसिफिक डिजीज के वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। मैटरनिटी वेटिंग पीरियड कितना है? 24 महीने यानी 2 साल का, और जो आपका स्पेसिफिक डिजीज है उसका वेटिंग पीरियड 24 महीने का है। तो इनको आप अगर कम करना चाहें तो आप 12 महीने यानी 1 साल का भी कर सकते हैं। जो भी वेटिंग पीरियड आपको कम करना होगा उसके रिडक्शन का यानी कम करने का एड ऑन आपको इस पॉलिसी में लेना होगा। फाइनल और बहुत जरूरी एड ऑन जो दोस्तों आ जाता है वो है रूम मॉडिफायर, यानी जो आपकी स्टैंडर्ड जो रूम रेंट की लिमिट है सिंगल प्राइवेट एसी रूम की, ऐसा तो नहीं है कि ये सबको सूट करे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसे भी फ्लेक्सिबल बना दिया है। भाई आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम नहीं चाहते तो आप एनी रूम की लिमिट भी चूज कर सकते हैं इस
एड ऑन के द्वारा, रूम मॉडिफायर के द्वारा। उसमें फिर आप कोई भी रूम ले सकते हैं, चाहे वो डिलक्स है, सेमी डिलक्स है या स्वीट रूम आपको लेना है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं रहेगी आपकी रूम रेंट कैटेगरी की। और अगर आप चाहते हैं कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी ज्यादा है तो आप ट्विन शेयरिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी एक रूम के अंदर दो पेशेंट रह लेंगे, इससे आपका प्रीमियम भी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप एक फिक्स परसेंटेज का रूम रेंट लिमिट अपनी पॉलिसी में चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी कंपनी ने आपको दे दिया है। जो भी आपका सम इंश्योर्ड है, रूम रेंट उसका 1% और आईसीयू उसका 2%, ये वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। हालांकि ये अगर जो हायर सम इंश्योर्ड है वो इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। वैसे रूम रेंट के ऊपर लिमिट होना कहीं ना कहीं पॉलिसी के लिए नेगेटिव ही होता है। अब दोस्तों बारी आती है इस पॉलिसी के अंदर आईसीआईसी लोम्बार्ड एलिवेट के अंदर वेटिंग पीरियड कंपनी ने क्या क्या मेंशन किए हैं अलग अलग ट्रीटमेंट्स को लेकर उनको जानने की। तो सबसे पहला जो वेटिंग पीरियड है वो 30 डेज का स्टैंडर्ड इनिशियल वेटिंग पीरियड। पॉलिसी खरीदने के पहले 30 दिन के अंदर आप सिर्फ एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई भी सिकनेस या इलनेस का क्लेम फाइल नहीं कर सकते। यही 30 दिन का टाइम आपका फ्री लुक पीरियड भी है। इसके अंदर आप चाहें तो पॉलिसी को कैंसिल भी करवा सकते हैं। अगर आपको ये पॉलिसी पसंद नहीं आती है, फीचर्स और कवरेज अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इसे कैंसिल भी करवा सकते हैं। नो क्वेश्चन आस्क्ड, आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। 24 महीने का वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज के लिए, मैटरनिटी कवरेज के लिए और इसके साथ साथ बेरिएट्रिक सर्जरी के लिए। पहले 24 महीने के अंदर इन तीनों ही चीजों का ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकते। स्पेसिफिक डिजीज वो लिस्टेड सर्जरीज, ट्रीटमेंट्स, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जो स्लो ग्रोइंग इलनेस होती हैं, इनको भी 24 महीने के बाद ही ये प्लान कवर करेगा। किसी भी क्रिटिकल इलनेस के लिए, डायबिटीज के लिए या हार्ट रिलेटेड दिल से जुड़ी हुई किसी भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के लिए 90 दिन का वेटिंग पीरियड है, यानी पहले 90 दिन के अंदर ये कंडीशंस, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज कवर नहीं किया जाएगा। और बात करें फाइनली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड की, यानी जो बीमारियां हमें पहले से हैं, अगर आप उनका कवरेज लेना चाहते हैं एक्सटेंडेड पॉलिसी में, तो वो 36 महीने यानी 3 साल के बाद कवर किया जाएगा। हालांकि जो 6 लिस्टेड कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई थी, उनको अगर आप 31वें दिन से कवर करना चाहते हैं तो जंप स्टार्ट का एड ऑन आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। अब दोस्तों आता है वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट, वो है इस पॉलिसी के प्रीमियम यानी प्राइसेस को समझना। भाई फीचर्स तो इतने सारे दे दिए हैं, एडोंस भी इतने सारे दे दिए हैं, लेकिन ये पॉलिसी आपको मिलेगी कितने में? एक नॉर्मल सम इंश्योर्ड कितने मिलेगा, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का भी प्रीमियम मैं आपको बताऊंगा। तो फैमिली साइज जो मैंने यहां पर लिया है वो लिया है 2 एडल्ट्स और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की जो एज है वो है 38 साल और 35 साल, बच्चों की एज है 12 साल और 9 साल। एड्रेस जो है वो दिल्ली का है, यानी जोन 1 में आएगा। टोटल 4 जोन हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जोन 1 के अंदर जो शहर और स्टेट है वो भी आप देखिए, जोन 2 में देखिए, जोन 3 में और जोन 4 में कौन कौन से स्टेट्स और सिटीज हैं, इन्हीं के हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड किया जाएगा। यानी जो जोन 1 में जो सिटीज हैं उनके अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई दर ज्यादा है, तो वहां के प्रीमियम आपको महंगे मिलेंगे। सबसे सस्ते प्रीमियम आपको जोन 4 के अंदर मिलेंगे। तो प्रीमियम कितना है वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको 10 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के प्रीमियम बताऊंगा, उसके बाद 25 लाख रुपए के, और उसके बाद मैं आपको अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का भी प्रीमियम बताऊंगा। और इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रीमियम नहीं, पहला प्रीमियम तो मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड पॉलिसी का, जिसके अंदर कोई एड ऑन नहीं है। उसके बाद हम 2 एड ऑन्स को इंक्लूड करेंगे। पहला जो एड ऑन है वो है पावर बूस्टर, यानी अनलिमिटेड क्यूमुलेटिव बोनस। जैसा कि आपने रेशियो 2.0 प्लान में भी देखा हुआ कि आप मल्टीपल टाइम्स तक अपने क्यूमुलेटिव बोनस को इकट्ठा कर सकते हैं, तो यहां पर भी वो फीचर हम ऐड करके देखेंगे कितने रुपए में आपको पॉलिसी मिलेगी। और दूसरा जो एड ऑन है वो है इनफिनाइट केयर, यानी अनलिमिटेड क्लेम लाइफ टाइम में एक बार अगर आप लेना चाहते हैं, इन दोनों एड ऑन्स के साथ आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो सबसे पहले 10 लाख रुपए और सिंपल पॉलिसी, यानी कोई एड ऑन एडिट नहीं है, तो उसका प्रीमियम आपको देना होगा 21,689 रुपए, यानी एक साल के लिए 21,689 रुपए आपको पे करने होंगे। यहीं पर अगर आप इसमें ये 2 एड ऑन ऐड कर देते हैं, पावर बूस्टर और इनफिनाइट केयर का, तो यही प्रीमियम 10 लाख रुपए का इस फैमिली साइज में हो जाएगा 27,436 रुपए। ये जोन 1 का प्रीमियम है। अब बात करते हैं 25 लाख रुपए सम इंश्योर्ड की। अगर आप पॉलिसी लेते हैं 25 लाख रुपए की, तो स्टैंडर्ड पॉलिसी आपको मिलेगी 30,880 रुपए में, और अगर आप ये 2 एड ऑन भी इसमें ऐड कर देंगे तो ये पॉलिसी हो जाएगी 34,817 रुपए। ये जो प्राइसेज है इंक्लूडिंग जीएसटी है और ये ऑनलाइन प्राइसेज है, हो सकता है इनमें 2-4-5% का ऑनलाइन डिस्काउंट भी शामिल हो। अब दोस्तों बारी आती है अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड को जानने की। तो अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड में इनफिनाइट वाले जो एडोन्स हैं वो काम नहीं करेंगे, तो यहां पर मैं आपको स्टैंडर्ड अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड के साथ इस फैमिली साइज का प्रीमियम बताऊंगा। एक साल के लिए इस फैमिली को देने होंगे 56,732 रुपए, उसमें उनका सम इंश्योर्ड अनलिमिटेड हो जाएगा। ना ही उन्हें पावर बूस्टर की जरूरत है, ना ही उन्हें इनफिनाइट केयर की जरूरत है, क्योंकि जो उनका बेस सम इंश्योर्ड है वही अनलिमिटेड हो गया है। तो अब इसके साथ साथ एक और खास बात है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो 15% तक का डिस्काउंट आप इन प्रीमियम्स के ऊपर ले सकते हैं।
तो टाइम पर जो भी अपनी ईएमआई है वो आप पे करें, ताकि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवाने में भी मदद करे और आपकी वो डिस्काउंट पाने में भी मदद करे। तो दोस्तों ये हमने समझा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एलिवेट प्लान। अगर बात करते हैं अब फीचर्स की, फीचर्स देखिए वही फीचर्स हैं जो आपको बाकी पॉलिसीज में मिलेंगे, कवरेज भी वही है। चार जो इन्फिनाइट फीचर्स हैं, इन्फिनाइट सम इंश्योर्ड है, इन्फिनाइट क्यूमुलेटिव बोनस है, इन्फिनाइट रीसेट बेनिफिट है और इन्फिनाइट क्लेम अमाउंट है जो आपको इन्फिनाइट केयर एड ऑन के अंदर मिलता है। ये जो इन्फिनाइट फीचर्स हैं ये काफी इनोवेटिव हैं। हालांकि इनमें से रिस्टोरेशन बेनिफिट तो आपको अनलिमिटेड काफी सारी पॉलिसीज में मिल जाता है और अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड भी कुछ पॉलिसीज देती हैं, लेकिन अनलिमिटेड क्लेम अमाउंट लाइफ टाइम में एक बार और अनलिमिटेड क्यूमुलेटिव बोनस, ये काफी यूनिक फीचर्स मैं कह सकता हूं इस प्लान के अंदर हैं। दूसरी जो खास बात मुझे इस प्लान की लगी वो ये कि मुझे लगता है कि हर इंश्योरेंस कंपनी का जो भी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान था और जो भी उसके यूनिक फीचर्स थे, उन सभी को इकट्ठा करके एड ऑन्स के तौर पर दे दिया गया है, ताकि कोई भी पॉलिसी होल्डर ये ना कहे कि उस इंश्योरेंस कंपनी में मुझे ये फीचर मिल रहा है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर मैं ये फीचर नहीं ले सकता। भाई आप ले सकते हो, क्योंकि आपको यहां पर दे दिया गया है एड ऑन का ऑप्शन। 30 एड ऑन है इस पॉलिसी के अंदर, 30 में से जो भी एड ऑन चूज करो, अपने हिसाब से आप पर्सनलाइज कर लो इस पॉलिसी को, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, जो जरूरत हो आपकी पॉलिसी बनके तैयार हो जाएगी। एक और जो खास फीचर मुझे लगा वो लगा जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट में जो 6 मेडिकल कंडीशन है उनको आप 31वें दिन से कवर कर सकते हैं। रूम रेंट भी किसी भी कैटेगरी का कवर कर सकते हैं, मतलब इस प्लान को अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको यह शिकायत नहीं रहेगी कि प्लान ने जबरदस्ती आपको यह वाला फीचर दे दिया और कोई फीचर जो आपको चाहिए था वो इस प्लान के अंदर नहीं है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, पर्सनलाइजेशन की बात करें, तो इस प्लान को मैं 10 out of 10 मार्क्स दूंगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं वो है क्लेम, क्योंकि मेनली 4-5 फीचर्स ही हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के इस्तेमाल करते हैं। वो है आपका रूम रेंट लिमिट है, आपका सम इंश्योर्ड है, आपका क्यूमुलेटिव बोनस है, रिस्टोरेशन बेनिफिट है, मेनली यही फीचर्स हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ कंज्यूमेबल आइटम का जो फीचर है वो भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी 5-6 बेसिक फीचर्स हैं जो मेनली हर क्लेम में इस्तेमाल होंगे, बाकी सब फीचर्स कभी रेयर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ध्यान करने की बात यह है कि प्लान नया लॉन्च हो गया है लेकिन जो बेसिक फीचर्स हैं, फंडामेंटल कवरेजेस हैं, वो सेम ही रहने वाली हैं। हमें बस ये देखना है कि क्लेम के टाइम पर क्लेम प्रोसेस कितनी स्मूथ होती है, कितनी आसानी से क्लेम मिल जाते हैं, पेशेंट्स को, पॉलिसी होल्डर्स को परेशानी नहीं होती है, तो हम इस एलिवेट प्लान को बहुत अच्छा मान लेंगे। लेकिन ये चीजें देखने में, समझने में अभी टाइम बाकी है। ऑन ग्राउंड रियलिटी क्लेम से रिलेटेड क्या रहेगी वो भी हम फ्यूचर में जाके देखेंगे, चेक करेंगे, और फ्यूचर में जो भी रिव्यूज आएंगे वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें शेयर भी जरूर करें। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इनोवेशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन ये ऐसा ही हो गया है जैसे आजकल गाड़ियों में करते हैं। एक गाड़ी का मॉडल लॉन्च हुआ है, हर 3 महीने के बाद उसका फेसलिफ्ट है, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए, हेडलाइट बम्पर इंटीरियर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बैकलाइट लंबी कर दी है, और उसी को नया मॉडल, नया वेरिएंट, नया लिमिटेड एडिशन बताकर धड़ाधड़ गाड़ियों को बेचा जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ भी कुछ ऐसा ही है, हर 3 महीने में 6 महीने में आपको एक नया प्लान मिलेगा। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग प्लान सही है, आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, आपकी कवरेज एडुकेट है, तो बिना वजह नए नए प्लान के आने पर आप उन्हें चूज ना करें, पोर्ट ना करें। अगर आपको लगे कि आपकी कवरेज कम है और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको प्लान चेंज करना चाहिए, तभी आप लेटेस्ट प्लान्स अपनी कवरेज के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो समझ में आया कि नहीं, या प्लान आपको कैसा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसी फीचर को लेकर, किसी कवरेज को लेकर अगर आपका कोई डाउट है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। आपको जहां जरूरत महसूस होती है वहां पर वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और अगर आप इंश्योरेंस इंपैक्ट के चैनल पर नए हैं या फिर काफी टाइम से आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित होगा। मैं अरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।